चौरासी आपके साथ स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के महासचिव फूल सिंह शोकंद और प्रधान मास्टर शेर सिंह ने फसल का लाभकारी मूल्य और फसल की सरकारी खरीद की गारंटी की मांग को लेकर लाखों किसान 30 नवंबर को संसद मार्च करेंगे इस बात की जानकारी दी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले होने वाले संसद मार्च में हरियाणा से 10,000 किसान शामिल होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के महासचिव फूल सिंह शोकंद और प्रधान मास्टर शेर सिंह ने सेक्टर 7 स्थित सर्व कर्मचारी संघ के जिला कार्यालय में पलवल और फरीदाबाद जिलों की मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में किसान सभा के पलवल के जिलाध्यक्ष धर्मचंद, फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष नवल सिंह, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। फूल सिंह ने भाजपा सरकार के फसलों के 1.5 गुना करने के दावे के आंकड़े को बाजीगरी बताया। उन्होंने बताया कि निजामुद्दीन के पास वाले साहब गुरुद्वारे, मजनू का टीला और आनंद विहार में पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान तक जाएंगे। किसान की सीधी परिभाषा है, जो खेती करता है वो किसान है, और चाहे जमीन भी नहीं है जिसके जी जी। और वो भी खेती करता है वो भी किसान कहलाता है। हमारे जो किसान सभा का संविधान है उसमें स्पष्ट है कि जो खेत से जुड़ा, खेती से जुड़ा वो किसान है, ये परिभाषा उसकी, तो किसान उसको हम किसान कहें। खेती मेरे हिसाब से तो अपने हरियाणा में तो जिसके पास 20 एकड़ से 15 एकड़ से ऊपर जमीन है उसमें कोई किसान तो खेती करता नजर नहीं आता। उसमें तो बिहार या बाहर के खेती हर मजदूरी काम करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मशीनी युग आ गया। हम जो आप जो बात कर रहे हो वो कर रहे हो, केवल मात्र सारी मेहनत की जरूरत होती है। अब ज्यादातर मशीनी युग आ गया। अब मशीनी युग आ गया तो आप कमाल ही मानोगे, जो 15-20 किले का किसान है ना, वो तो दूसरे छोटे किसानों की जमीन लेकर के भी खुद जमीन लेकर के खेती करके अपनी जमीन और बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आपने एक पेंशन का मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया मुद्दा है किसानों के लिए। एक मुद्दा मैं और आपको देता हूँ, किसानों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो नौकरी है, जो खेतीहार मजदूर है, किसान है, उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है उनको भी क्यों ना कुछ परसेंट रिजर्वेशन दी जाए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं ये सीधा आर्थिक से जुड़ी हुई है जी। अर्थवाद के ऊपर तो आरक्षण है ही नहीं ना यहाँ पर जी जी जी। यहाँ तो किसके ऊपर देना चाहते हैं आरक्षण? वोट के ऊपर आरक्षण देना चाहते हैं कि वोट की राजनीति कर रहे हैं, और वोट की राजनीति न होकर अर्थ के ऊपर आधारित हो, आर्थिक हालत को देख के किया जाए। आर्थिक हालत तो एक बनिए का जो गर्भ पैदा और उसकी भी आर्थिक हालत कमजोर हो सकती है। हम तो इस पक्ष में है कि आर्थिक हालत को देख के आरक्षण होना चाहिए। लांबा जी, क्या आप भी किसानों से कंधा मिलाकर काम करोगे? बिल्कुल, प्रदेश के कर्मचारी, देश के कर्मचारी किसान मजदूर परिवारों से ही आते हैं जी, और किसान अगर खुशहाल होगा तो कर्मचारी भी खुशहाल होगा जी। और किसानों की जो मांग है वो अगर हम देखेंगे तो क्या मांग है, मतलब कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। जब बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज को लाखों करोड़ रुपए की राहत मिल रही है तो किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं होने चाहिए? और दूसरी बात, सरकार ने कहा हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, अब 4.5 साल हो गए, कम तक याद तो दिला दें, 6 महीने रह रहे भाई, कर्जे माफ करो जी। और दूसरा ये है कि दोबारा से कर्जदार किसान ना हो, लाभकारी मूल्य उसके फसल का मिले और फसल की खरीद की गारंटी सरकार करे। ये तीन चीज जब तक नहीं हो किसान खुशहाल नहीं हो सकता। तो केवल वोट लेने के लिए किसान की बात ना की जाए, धरातल पर आकर के इन मुद्दों का समाधान किया जाए। और जो लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं 29 और 30 तारीख को, निश्चित तौर से ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन भी और सरपंच हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके किसानों के साथ है। और सरकार से भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा अब सरकार को सोचना चाहिए कि अब जुमलेबाजी से या दूसरे जो लफाबाजी से वोट नहीं मिलेगी, अगर काम हुआ है तो वोट मिलेगी। किसानों का बस यही मुद्दा है कि आप जैसे उस दिन प्रोग्राम करोगे तो क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ से जाने की आपकी? जैसा महासचिव जी ने बताया है जी, हमारे 4 जत्थे आएंगे चारों तरफ से, इधर हिमाचल, करनाल, ये जो चंडीगढ़ वाला रूट है उधर से जो आएंगे, वो मजनू का टीला वहाँ वो है गुरुद्वारा, वहाँ ठहरेंगे, इधर से जो जाएंगे फरीदाबाद से, इधर से जो जाएंगे वो कालेगांव जो है वहाँ ठहरेंगे। इसकी कोई जैसे लांबा जी, इसकी कोई मंजूरी वगैरह ली है पहले? मंजूरी ले रखी है, रामलीला ग्राउंड की मंजूरी है। आज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में देखो, रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए 51,000 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे कह रहे हैं कि सब कुछ दरवाजे खुले हैं, हर दरवाजे के सामने इतने भारी
पुलिस बल तैनात रहता है कि ऊपर घुस कर दिखा दो। यानी 51,000 रूपए किसानों से लिए जाएंगे, कोई भी उसको मतलब बुक कराएगा तो पैसे देंगे। कोई तो घर कोई अपना मतलब फंक्शन करे निजी हाँ, तो भी है। मतलब मगर आप किसानों से भी मजदूरों से भी किसी को नहीं मतलब छोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि मतलब जंतर मंतर पर भी बेल लगा दिया था, पहले मोटकल पे लगाया, ये तो कुछ लोग लड़े उसके खिलाफ अर्जी दी तो जाकर के मतलब कुछ हुआ है। तो संसद भवन पे जैसे मार्च करने जाओगे तो उसकी सूचना पहले दी है या अचानक प्रोग्राम? बाबूजी बगैर सूचना कौन घुसने दे रहा है, सब सूचना दे रखी है, लिखित में दे रखी है, मंजूरी है, पार्लियामेंट थाने में दे रखी है, मंजूरी ले रखी है, सब कुछ कर रखा है। जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसमें किसानों के और कौन से संगठन आपको सहयोग दे रहे हैं? ऐसा है कि पूरे देश के अंदर अनेकों संगठन है। योगेंद्र यादव जी है खेती, उनका अपना एक संगठन का नाम रख रहे हैं। मेधा पाटेकर जी हैं, किसान यूनियन है कई, पंजाब की, महाराष्ट्र की है, राजू सेठी जैसे लोग हैं जो एमपी हैं, जो बीजेपी के किसान संगठन से बगावत करके आए थे जी। ऐसे बहुत लोग हैं, सैकड़ों संगठन है। यूपी खेती कहत है नहीं, वो किसान यूनियन है। अच्छा, वो किसान यूनियन असलियत में किसान यूनियन देश के अंदर पूरे देश में नहीं है, ये यूपी के कुछ इलाके में है, ये मेरठ के इलाके में, हरियाणा के कुछ इलाके में होती थी, लेकिन यहाँ अलग अलग ग्रुपों के अंदर वो बंटी हुई है, वो एक यूनियन नहीं है जी, जी, जी। वो इसमें शामिल नहीं है। पंजाब की कई यूनियन है, हरियाणा में भी कई ग्रुप है छोटे छोटे जो किसान यूनियन के, वो आएंगे इसमें जी। पंजाब के अंदर भी शेखो जैसे कई लोग हैं मतलब जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, वो हजारों की संख्या में आएंगे। कितनी गैदरिंग हो जाएगी टोटल? गैदरिंग हमारी 1,00,000 से ज्यादा का हमारा टारगेट है, 1,00,000 से ज्यादा किसान मार्च में शामिल होंगे। फरीदाबाद के साईं धाम ट्रस्ट ने 25 नवंबर को निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसके चलते साईं धाम ट्रस्ट के चेयरमैन मोतीलाल गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव को विवाह सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इसी का निमंत्रण देने मोतीलाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री विनोद सोनकर के निवास स्थान दिल्ली पहुंचे और उनके निजी सचिव को विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। बल्लभगढ़ के आदर्श कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में किराए पर रह रहे युवक पर 4 दिन पुराना शव मिला। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें कमरे से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना उन्होंने मकान मालिक को दी, जिसके बाद मकान मालिक ने कमरा खोल कर देखा तो राजेश का शव पड़ा हुआ था और कमरे के फर्श पर खून के चिथड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मकान मालिक ने बताया कि मृतक राजेश से उसकी मुलाकात रविवार को हुई थी, वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका किसी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पूरे मामले की जांच टीम पुलिस कर रही है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जो मृतक है वो कौन है आपका? मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई है? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ 3 नंबर नहर कॉलोनी। अच्छा, तो आप यहाँ आए, क्या कैसे पता चली आपको? फोन कर रहा था 3 दिन से, लग नहीं रहा। फिर बड़े पापा लास्ट बार कब मिले थे इससे? लास्ट में दीपावली के दिन आया था मैं यहाँ। अच्छा, तब आपने यहाँ आके देखा मौके पे, तो क्या मिला आपको अभी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है? अभी तो मैं गया, किसी ने बताया तुम्हें फोन करके? कुछ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा इस तरीके कुछ? मुझे क्या बता, पहले दिन आया था दीपावली। कब से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ तो मेरे 2 साल हो गया। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा, कहाँ रहते हैं आप? हैदरो। ये जो बगल में एक जो कमरा है आप जहाँ रहते हैं किराए पे, इसमें डेड बॉडी मिली है, कैसे पता चला? पता नहीं, हमने तो खोला नहीं। अच्छा, इसने बताया तो। कब से रह रहे आप यहाँ? परसों आए। तो आपने क्या कोई बदबू वगैरह आई थी? हाँ, बदबू कल आई, परों आई, हम पता नहीं। कल अगर बदबू आई थी तो आपने मकान मालिक को नहीं बताया? नहीं, हम जब हम चिंता ही नहीं, हम तो नए नए आए, गाँव से आए, हमें कोई पता नहीं। नरसिंह जी, जो मकान है किसका है? मेरा ही। आपका है? कौन सी कॉलोनी में है ये? आदर्श नगर। ये जो डेड बॉडी मिली है कब की पुरानी, कितनी पुरानी है, और कैसे पता चला इसका? इतवार को इसने कपड़े धोए हैं, कपड़े धो करके नहा धो के अपना ये सोया है, लेटा है, और उसके बाद में किसी को पता नहीं है। 8-8, 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कोई किसी को जगाता नहीं है, ठीक है ना। तो अब सुबह पता चला है, इस लड़की ने बताया है कि यहाँ से बदबू आ रही है।
आज बुधवार हो चुका है और तीन दिन बीत चुके हैं, तो क्या तीन दिन के अंदर अंदर आपने देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर बंदा कर क्या रहा है? जो किराएदार आए हैं वो कभी रात को आ रहे हैं, कभी दिन को आ रहे हैं, तो उनको मतलब खोलने डिस्टर्ब करने पता नहीं रात की ड्यूटी करके आए हैं, दिन की ड्यूटी करके आए, सोते कोई जगाता ही नहीं, मतलब कोई देखता ही नहीं। मतलब बाल विवाह के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर अपनी मर्जी से शादी करने वाली एक लड़की की इन दिनों पानीपत में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल 18 साल की शशि की 8 साल पहले यानी कि 2010 में शादी हुई थी, जिसे लेने के लिए उसके ससुराल पक्ष के लोग करीब 1.5 साल पहले आए, जहां लड़की ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद से ये मामला कोर्ट में था और करीब 14 महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 19 नवंबर को लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी की। इस लड़ाई में शशि के परिवार खासकर उसके पिता ने उसका साथ दिया। गाँव से लगातार विरोध के बाद भी परिवार ने अपना फैसला नहीं बदला, हालांकि इससे उनकी जमीन घर लोगों के कब्जे में आ गए, बावजूद इसके शशि के हौसले की जीत हुई। ये जो ऐसा था, जब मेरी लड़की 7 साल की थी तो घर वालों ने मेरे माँ बाप ने जो और ना बड़ों ने उसकी शादी कर दी जब 7 साल की थी वो, तो ऐसा हमने मना भी करा तो कहने लगे ये सब हमारे में होता है। जो मेरा भाई था छोटा, उसकी शादी नहीं हो रही थी कहीं थी, अगर वो लड़की देगा तो शादी होगी इसकी, नहीं होने की, तो छोटी लड़की की शादी कर दी मेरे घर वालों ने और मेरे पर दबाव डाला, मैंने इतना लड़की देनी पड़ेगी हमारे परिवार में से होता ही है। मैंने मना भी बहुत करा लेकिन कोई मानना नहीं, फिर मेरा भी कोई शादी के बारे में उस टाइम पर कोई बेरा नहीं था, पहली लड़की थी मेरी बड़ी, अब जाके पता लगा भी शादी क्या चीज़ हुआ, तो इसीलिए अपना वहाँ उसकी शादी कर दी। ये बढ़ सकता हूँ तो इसमें बुरा तो लगा ही आज इस बात का, देखो लड़की की जो छोटे बच्चों में शादी करते हैं, जब बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, और हमारे में तो ये ससुरे ने ऐसे ज़बरदस्ती से मार से करवा दिया जी, तो कहते हैं कि हम मैं अच्छा लड़का देखूंगा तुम दे दो, मैं अपने बेटे के साथ शादी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं अच्छे से देखेंगे जी। हमने भी यही कहा था कि चलो भी मम नहीं करती अभी शादी, उसने ज़बरदस्ती डाली मार के सबको यहाँ पे बुलाता था, बड़े बड़े लोगों को सबको कहते हैं ऐसे ही करते हैं, कहते ऐसे ही करते हैं। कभी इस पूरे मामले में लड़की पिछले साल 5वें महीने में मई के करीब मेरे ऑफिस में आई थी अपने पिताजी के साथ, और इसका ये कहना था कि मैं इसके स्कूल में गई थी, वहाँ पर इन्होंने सेमिनार में ये सुना था कि बाल विवाह को तुड़वा सकते हैं, तो अभी उस फिलहाल उस लड़की की उम्र उस समय 16.5 साल के करीब थी और वो पढ़ रही थी। उसका ये कहना था कि मुझे अब पता चला है कि मेरी 8 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तो लेकिन अब मैं उस शादी को नहीं रखना चाहती हूँ, तो उसमें क्या मदद कर सकता है कानून, तो उसको कानून के बारे में सारा बताया गया, दोबारा से समझाया गया, और फिर हमने उसकी शादी को तोड़ने की जो याचिका है, पहले हमने लड़के वालों को भी बुलाया अपने कार्यालय लेकिन वो माने नहीं, उनके ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे कि नहीं चाहे जो मर्जी कर ले कानून, हम तो इस लड़की को लेकर जाएंगे। तो फिर हमने उसमें कोर्ट में बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कोर्ट में हमने शिकायत याचिका डाली कि इस बाल विवाह को निरस्त करने बाबत, और कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद जो है इस बाल विवाह को निरस्त कर दिया गया। पानीपत नगर निगम के 1,41,000 संपत्ति करदाता हैं, जिसमें से लगभग अभी तक केवल 2923 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया है। पिछले कई वर्षों से लगातार नगर निगम के लगभग 1,37,000 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर हैं, जिन पर लगभग 147.45 करोड़ रुपए का कर बकाया है। इसे वसूलने के लिए निगम लगातार नोटिस जारी कर रहा है लेकिन लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने 105 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को 11 करोड़ का टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। इनमें बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, निजी हॉस्पिटल, होटल और मॉल भी शामिल हैं। निगम वित्त विभाग के अधिकारी के जैन का कहना है कि हमारे टारगेट से केवल 8% रिकवरी हुई है। बेहिचक होके और जितनी जल्दी हो सकता है नगर निगम को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि जब नगर निगम के पास पैसा होगा तभी उसी पैसे से विकास कार्य होंगे। और जहां तक निजी संस्थाओं की बात है, जो प्राइवेट हैं या फैक्ट्री इंडस्ट्रीस्ट हैं, उनको भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस टैक्स को, जो भी उनकी तरफ बनता है, यदि गलत किया गया है टैक्स, तो उसकी उनको अपील करनी चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए, उसको ठीक कराना चाहिए और ठीक करा के उसको भरना चाहिए। निश्चित रूप से नगर पिछले जो हमारे 5 साल का नगर निगम का कार्यकाल रहा है वह कोई ज्यादा अच्छा कार्यकाल नहीं रहा, क्योंकि हम कोई विशेष चीज इस शहर को नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतना फंड हम रिकवर नहीं कर पाए, और जब वो फंड नहीं रिकवर कर पाए तो डेवलपमेंट के कामों में बाधा आई है। तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने इतना ज्यादा फंड कारपोरेशन को दे दिया कि कारपोरेशन चल गया, नहीं तो एक वक्त तो ऐसा था कि नगर निगम चलने की हालात में नहीं था। अप्रोक्स 5.5 करोड़ रुपए पर मंथ का एक्सपेंडिचर है, जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल
और क्या नाम पेंशनर की पर मंथ की सैलरी और पेंशन प्लस में सैनिटेशन की पेमेंट इत्यादि जो भी हम सफाई के काम हमारे चल रहे हैं JBM कंपनी का या अन्य किसी को जो आउटसोर्स किए हुए ठेके हैं या जैसे भी हैं, इसके मीट आउट करने में सबसे ज्यादा हमारा मतलब जो है वो 2.25 करोड़ के आसपास की हमारी स्टैंप ड्यूटी आती है पर मंथ की। लगभग 60 से 70 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी प्राप्त होती है हमें और हमारा प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज वगैरह से करके फिलहाल हमारी जो वो है मीट आउट हो जाती है पर मंथ की। कुछ हमारे अपने जो बैलेंसेज बचे हुए थे पिछले वर्षों के, कुछ इंटरेस्ट आ जाता है हमारे इनसे खातों में जो जमा है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत मतलब प्रतिशत हमारे बड़े कम है, हमारा जो टारगेट था उसका अब तक शायद कुल मिला के 8% की रिकवरी पिछले 6 महीने में हो पाई है। टोटल की जो टारगेटेड थी अप्रोक्स हमारे 132 से 33 करोड़ रुपए एरियर प्लस इस साल की डिमांड के अनुसार हैं, उसमें से 4 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई टोटल। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत में 187 करोड़ के लगभग प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, आउट ऑफ विच अभी कुछ एक दिनों पहले 3 करोड़ के हमारे इस साल का जो पेंडिंग था वो लोगों ने जमा कराया है और लगभग 1.4 लाख के टोटल यूनिट्स हैं जिनसे कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स लेना होता है, आउट ऑफ विच अराउंड 4,000 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स इस साल जमा कराया है। टोटल 1.4 लाख ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है। रोडवेज कर्मचारियों का ओवरटाइम खत्म किए जाने के बाद से रोडवेज विभाग में अव्यवस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। समय पर बस न मिलने के कारण सवारियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस बारे में तोशांत सब डिपो के इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों के काम में 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं, इस कारण जिन रूटों पर कर्मचारियों को 8 घंटे काम करते हो गए हैं उन कर्मचारियों को हम दोबारा रूट पर नहीं भेज सकते, इस कारण से ये करीब आधा दर्जन से अधिक रूट ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रूटों पर सुचारू व्यवस्था बहाल की जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न उठाना पड़े और सरकार के आदेशों का भी पालन हो सके। यमुनानगर के थाना छप्पर स्थित एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन समय रहते किसी ने देखकर शोर मचा दिया। वहीं आरोपी आवाज सुने जाने के बाद से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले इसने कई बार जानवरों से भी संबंध बनाया है और यहाँ तक कि इस दरिंदे ने अपनी अपाहिज बहन को भी नहीं बख्शा। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उस पीड़ित मासूम के परिवार वाले कह रहे हैं कि 5 साल पहले बेटी को एक दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया चाहा। वहीं गांव के लोग का आरोप है कि इसने पहले भी कई बार गांव की ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करता है और यहाँ तक कि इसने अपनी अपाहिज बहन को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मेडिकल करवा लिया है लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये दुकान पे गई थी जी अपने भाई के साथ और उधर अशोक नाम का लड़का है जी, उसने उसको गली के साथ उठा दिया जिसको, और जो लड़का था जिस गेल उसने मर को घर मेरी मम्मी को बताया आगे और हम काम पर थेगी और मेरी मम्मी को बल्ले जी का सारी छोकर डाली उसने अशोक की ने, फिर मेरी मम्मी गई जी। हाँ, यमुनानगर के हमीदा इलाके की रहने वाली एक महिला ने 2 दिन पहले पुलिस को शिकायत दी थी कि वो अपने जानकार के साथ उसके घर जा रही थी कि तभी यमुना नदी के किनारे 5 युवकों ने जबरन महिला को खेतों में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और किसी को भी बताने से जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आनन फानन में महिला का मेडिकल करवाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपी अभी भी फरार है। जमुना कच्चे रास्ते जाकिर के पकड़ लिया, उसके बाद एक मेरे साथ करा एक पकड़ गया दो करा और जो दूसरा आया था वो मेरे को गन्ने के खेत में खींच के लेके गया। जाकिर मेरे को उसके घर में लड़ाई हो गई थी, वो कह रहे थे मेरा घर चल, वो जमुने के पटरी पे गए पेशाब करने लगे, उनको तीन बंदे आके एक बंदूक पकड़ लिया, 2 बंदे मेरे साथ करने लगे, बाकी 2 बंदे मेरे को करने के खेत में लेके गए खींच के। जाखिर मेरा घर आया था, कह रहे थे मेरा घर को लेस पड़ी, जाखिर मेरे को बाइक पर बैठाया जमने के रास्ते से ले गए, वहाँ पर पेशाब करने लगे और उसके बाद 3 बंदे आ गए, एक बंदों ने जाखिर के पकड़ लिया और उसके बाद मेरे साथ 2 बंदे किए
और उसके बाद दो बंदे उसका पास चले गए जाखिर के, फिर तब तक दो बंदे आके एक करके उसके बाद गन्ने के खेत में खींच के ले गए। कंप्लेंट आई थी महिला की भी, उसके साथ पांच लड़कों ने जबरदस्ती नहर की पटरी पर गलत कार्य किया हुआ है, तो जिस पर मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल कराया गया, उसके बयान कराए गए कोर्ट में। इसमें हमने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सालिम, जुबेर, आदिल, मुबारक, जिनका मेडिकल करा रहे हैं और उनको कोर्ट में पेश करके तफ्तीश जारी। उपायुक्त सोनल गोयल झज्जर के गांव बलौर के राजकीय उच्च विद्यालय में प्रशासनिक शिविर और रात्रि चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू हुई। शिविर में पुलिस अधीक्षक पंकज नैन भी उनके साथ उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक शिविर और रात्रि चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा रहा है। सरकार की जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को भी आमजन के साथ साझा किया जा रहा है, जिससे प्रशासन और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद भी कायम हो सके। उपायुक्त ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक सशक्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि बेटियां सशक्त होंगी तो ये समाज की मानसिकता का भी प्रतिबिंब होगा। शिविर में पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने युवाओं को उनकी ऊर्जा का संचार सकारात्मक दिशा में करने के लिए प्रेरित किया। गांव बालोर पंचायत में आज प्रशासन की ओर से प्रशासनिक शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बालोर के साथ साथ लगती हुई चार पांच पंचायत और कुछ सिटी से भी कंप्लेंट्स आई हैं। सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और हमारा यही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जितने भी रात्रि चौपाल हो रहे हैं उसके अंदर जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका कम से कम समय में विभागों द्वारा उसका निवारण किया जाए। कश्मीर में LOC पर आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 6 पैरा रेजिमेंट के जवान विजय कुमार शहीद हो गए। शहीद जवान विजय कुमार गांव सागवान के रहने वाले हैं। उनकी मौत की खबर पहुंचते ही गांव में गमगीन का माहौल बना हुआ है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव सरगांव में पहुंचाया गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विजय कुमार 2001 में 6 पैरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तो आपका अपने बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती है, क्या बनाएंगे अपने बच्चों? तो आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या करना चाहिए सरकार को? बार बार कई सैनिकों की शहादत होती है और सरकार क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो आप देश की सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बस सुरक्षा बढ़नी चाहिए। तो बड़े हो गए आप क्या बनना चाहते हैं? ये बहुत खुशी है, बहुत गम है। देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सव करे हैं, उग्रवादियों को मुकाबला किया है, मुझे बहुत खुशी है। पलवल के गांव उटावड़ में आतंकवादी फंड से जामा मस्जिद बनाए जाने के आरोप में 26 सितंबर को NIA की टीम ने मस्जिद के इंचार्ज सलमान, उसके दो साथी मोहम्मद सलीम और सज्ज अब्दुल को दिल्ली के निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर को NIA की टीम मस्जिद के दस्तावेजों को कई घंटों तक खंगाला और टीम कुछ दस्तावेजों को अपने साथ ले गई थी। अब NIA की जांच में ये बात सामने आई है कि सलमान 3 बार पाकिस्तान भी गया था और वहां के 2 लोगों के संपर्क में था। यहां के लोगों का कहना है कि सलमान बहुत ही नेक इंसान है और आतंकी फंडिंग से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। हमें NIA की टीम पर पूरा भरोसा है कि वो किसी बेगुनाह को फंसाने का काम नहीं करेगी। सर आदमी अच्छा था, हमारा गांव का था, इसका पिताजी निजामुद्दीन में इमामत का रख रहा था दिल्ली निजामुद्दीन से, और वहां से दिल्ली रहते हैं, इनके सारा परिवार भाई वीर ये भी सारे उधर ही रहते हैं। सलमान को यहाँ इसका इमामत का काम दिया था, देखभाली का काम, बाकी ये पैसा जो लगाया ये पूरी इलाके का 36 बिरादरी पैसे लग गए। ये तो सर इलाके से पैसा होगा जी, और 36 बिरादरी का पैसा होगा, ये पूरी हर बिरादरी ने पैसा दिया जिसको। तो एक और नया खुलासा हुआ है कि सलमान 3 बार पाकिस्तान गया था। सर उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, वो दिल्ली रहता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। बाकी यहाँ ऐसा कोई इसका वो नहीं है, बढ़िया चाल चलन है, बढ़िया हिसाब किताब है, यहाँ इसकी कोई ऐसी वो नहीं है जी। ऐसा है जी, इसके बाप को जानते थे, इसको भी हम जानते थे, कैसे कि इसी गाँव का रहने वाला है, आता भी जाता भी, दुआ सलाम थी। मामला ये है जो हमारे नज़र में हमारे सामने बात है कि हमने कोई बाहर का विदेश का आदमी यहाँ पर आता जाता नहीं देखा आज तक। ऐसा जो दस्तावेज लेके गई थी यहाँ से, तो खूब सच्चाई करे, हम तो ये कह रहे हैं खूब सच्चाई करे NIA टीम। ये हमें उम्मीद है NIA की टीम से
के बेचारे को नाजायज वो फंसाएगी नहीं। कैसे हमारा मुल्क ईमानदार है, ईमानदार ही से ही काम करेगा, नाजायज किसी को नहीं फंसाएगा, ये हमें खुदा की जात से उम्मीद है। हांसी दिल्ली रोड पर कृष्ण प्रणामी स्कूल के पास पिरावली से कोचिंग के लिए हांसी आ रही स्कूटी सवार दो छात्राओं और बाइक सवार पवन ठाणे पिरान को एक i20 गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में स्कूटी सवार प्रियंका रेणु और बाइक सवार पवन गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में स्कूटी सवार प्रियंका रेणु और बाइक सवार पवन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। सिविल हॉस्पिटल की SMO अरुणा गर्ग ने बताया कि छात्रों का इलाज यहां किया जा रहा है, जबकि पवन को गंभीर हालत के चलते हिसार के निजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। ये गुड़िया तो घर से कॉलेज में आ रहे थे, कहाँ रहते ये? ये डांडपीरवाड़ी में। पीरवाड़ी से कहाँ जा रहे थे ये? यहाँ से आ रहे थे। हाँसी अच्छा, ये स्टेनो करते हैं, सेंटर पे आ रहे थे। तो कहाँ पे घटना घटित हुई है? ये प्रणामी स्कूल के गेट के सामने। क्या बस बस के साथ में? जैसे प्रणामी स्कूल के बस तो बच्चों को लेके स्कूल में आ रही थी, और जैसे पीछे से गाड़ी थी ये छोटी गाड़ी, वो ओवरटेक कर रही थी आगे, बस से आगे क्रॉस कर रही थी और वो बस वाले के साइड में लगे और आगे से आ रहे थे। आगे से तो स्कूटी पे सवार थे ये? हाँ जी, ये स्कूटी पे थे। तो किस तरह की चोट इनको आई? चोट तो सिर में आई है, रेणु का दांत में टूट गया। ये सुबह आज 8 बजे की बात है, कृष्ण प्रणामी स्कूल के पास वो स्कूल की बस मुड़ रही थी और उसके सामने से दो लड़कियां और एक लड़का, वो लड़कियां तो स्कूटी पे जा रही थी और लड़का बाइक पे जा रहा था और बस के पीछे एक कार वाला था, तो जैसे ही उस बस ने मोड़ी कार से आके ये तीनों टकराए। तो लड़के को तो गंभीर चोटें लगी थी, उसको तो हमने हिसार रेफर कर दिया और वो जो दोनों लड़कियां हैं उनको अभी हमने अपने पास रखा हुआ है, उनका यहाँ पे उपचार चल रहा है और एक्सरे वगैरह उनके होंगे, फिर उनके दिखेंगे कि आगे उनका क्या करना है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।